हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले जो जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे खुम वगैरह यहाँ के अपने देसी पका के भी और खा के भी। आज का व्लॉग वही होने वाला है। अभी लगभग टाइम 11 बजे हुए हैं। अभी मैं नहा धो के रेडी हुआ हूँ। वैसे तो मैं 6 बजे का जागा था लेकिन सुबह से व्लॉग नहीं स्टार्ट किया, क्यों मैं सोचा चलो जो चीज़ दिखानी है सीधा वही दिखाएंगे आज। ऐसे लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बाइक का भी थोड़ा माहौल दिखाते हैं, फिर खुम वगैरह भी तोड़ के लाते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। चलते हैं साइड पर पहले, तो बने रहना वीडियो में, वीडियो को फुल वॉच किया करो और साथ में कमेंट में बताया करो वीडियो कैसी लग रही है आपको। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है क्योंकि आज धूप लगी हुई है, कुछ मौसम भी काला सा है, कुछ बादल हैं, बीच में धूप लगी है, बहुत ही ज़्यादा आज, इसलिए आज का मतलब थोड़ा सूखा पड़ गया है। हर चीज़ थोड़ी सी मुरझा सी गई है, पेड़ पौधे हर चीज़। और अभी मुझे यहाँ पे थोड़े थोड़े से खीरे नज़र आए, छोटे छोटे से, यहाँ बड़े नहीं होते, पता नहीं क्या मसला है इस बार। और देखो जो है ना इसके साथ लगते हैं बेल बोलते हैं इसको, वो बहुत ही बुरी हालत होगी इनकी, देखा मुरझा सी गई हैं और फूल भी पूरे जैसे लग रहा है सूख रहे हैं अब। यहाँ पे मिर्चियाँ वगैरह सब बहुत बुरी हालत है। आजकल थोड़ी बारिश की ज़रूरत ही जो है नहीं है, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी मुझे एक खीरा मिला ये वाला, तो इसको तोड़ के खाते हैं। भी मक्की वगैरह ये रही, यहाँ पे कच्ची है जो नीचे वाली है, वहाँ से तोड़ के लाएंगे, दिखाएंगे आपको भी। अरे इसको देखते हैं भाई, ऐसे मैंने दान से तोड़ी, मैंने सोचा क्या पता बीच में कोई कीड़े वगैरह होंगे, ऐसे होते नहीं। और यहाँ पे धोते भी कम है क्योंकि कोई इतनी खास कुछ दवाई वगैरह कुछ डालते नहीं, इसलिए ये ठीक होते हैं, धोने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर कोई चाहे तो धो भी लो। अभी यहाँ पे भी हैं खीरे, इस बार कम है मतलब बारिशें कम है ना, पहले बहुत ज़्यादा बारिशें थी लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो बारिशें रुक गई। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे खुम वगैरह लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अभी तोड़ते हैं यहाँ से खुम, तो फिर दिखाते हैं आपको आप पका के भी। आज मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई ना, कहीं से तोड़ेंगे, देख के ना ज़्यादा बड़ी तोड़ेंगे ना ज़्यादा छोटी, वो चीज़ का ध्यान रख के तोड़नी पड़ी हमें। थोड़ी ठीक भी होनी चाहिए, मतलब पूरी कच्ची भी नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी। ये रही अपनी मक्की, और एक तो मुझे दिख गई है लेकिन बीच में से कुछ खाने के लायक नहीं होगी, इसलिए ढूंढते हैं पहले। ये भी नहीं, ये भी आती है, और एक ये तोड़ लेते हैं। ये रही सर, हमने एक तोड़ लिया, एक और तोड़नी है हमने, पहले वो भी ढूंढ के तोड़ लूँ मैं, ये दिखाते हैं आपको। बाकी एक ये तोड़ लेंगे, अब हो चुकी है हमारे पास तीन। ये रही सर तीन की तीन, अब इनको लेके चलते हैं घर। और इनके ऊपर वाली ये परत है, ये हटा के दिखाते हैं आपको। अभी हमारे खुम आ गए, अब चलते हैं पकाते हैं इनको, दिखाते हैं आपको भी। अभी इन पे डालते हैं नींबू वगैरह, तो फिर पकाएंगे, नींबू डाल के पकाएंगे आज हम अलग तरीके से। अभी हमारे खुम भी आ गए हैं, और यहाँ पे हमने थोड़ा मसाला नींबू और नमक डाला हुआ, पहले इन पे लगाएंगे, दोनों पे लगाएंगे, एक पे नहीं लगाते, फिर रखेंगे। पहले इनको मैं ये लगा लूँ, उसके बाद दिखाते हैं आपको दोबारा। फिर पकना स्टार्ट हो गई, बस एक बात अगर लाइट नहीं जानी चाहिए, अभी आएगा मज़ा। देखा अब थोड़ा थोड़ा सा ये पकना स्टार्ट हुई है, मैं तो तुम्हारे लिए
आधी आधी पक चुकी हैं, बहुत जल्द पक रही हैं ये। अभी दाने आने वापस आ गया है। काम देखो उल्टे, अब थोड़े पक जाएंगे फिर दिखाते हैं आपको भी। और ये इतना शरारती है ना, काम ही उल्टे हैं इसके। अभी हमारे खुम पक चुके हैं और देख रहे हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त पके हुए हैं। अभी हमने चेक भी किया, बहुत ही मज़ेदार है। अभी दानियाल ये रहा, दानियाल भी खा रहा है। दानियाल कैसी है? दानियाल इधर देखना, इधर कैसी है? ऐसे कर, ऐसे बता कैसी है? अच्छी है? पहले हम खा लें, उसके बाद मिलते हैं आपसे दोबारा फिर। और काम करते करते कब अंधेरा पड़ गया पता ही नहीं चला। थोड़ा आज व्लॉग भी हमने लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि बस हमने दिखाने थे आपको यहाँ पे अपने खुम वगैरह, इसलिए व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया। और पीछे दिखा व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है पीछे। और इतनी ज़्यादा आबादी हो गई हमारे सातरा सलोनिया और कलीपिंडी बोलते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप कितनी ज़्यादा मतलब कर रहे हैं। लाइट जलती है रात तो पता चलता है, और बहुत ही मतलब प्यारे लग रहे हैं यहाँ से। बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है रात को भी। ये करते हैं आज के व्लॉग एंड भी। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।